ओके सो हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक का डेमो क्लास है। कितने लोग हैं? 7 7 लोग। सर डिजिटल एनालॉग हाँ, एनालॉग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके सर। एक मिनट। ओके सो सब्जेक्ट का नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी को ऑडिबल है? ऑडिबल और विजिबल तो है। यस सर। ओके 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 एक मिनट। ओके ठीक चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अश्वनी। ओके सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट का नाम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कुछ 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 बातें करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डायोड्स के बारे में। बात ऐसे करेंगे जैसे डायोड डायोड एंड इट्स सर्किटरी, उसके सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा आपने पढ़ा होगा कुछ, इसके कुछ सर्किट्स होंगे जैसे नॉर्मल डायोड के सर्किट होते हैं, क्लिपर क्लैंपर होता है, रेक्टिफायर होता है। ऐसा हम लोग कुछ अभी इसमें सर्किट्स में बात करेंगे डायोड में। एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या है सारा सिलेबस, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिजाइन करना है क्या ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स में हम लोग देखेंगे कौन सा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, बीजेटीज वगैरह, बीजेटीज, एफईटीज, अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर्स वगैरह देखेंगे इसमें। और थर्ड हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड मीन्स ओपैम से रिलेटेड कुछ सर्किटरी, कुछ थर्ड ओपैम्स वगैरह या एम्पलीफायर्स। ओपेंस और फोर्थ हम लोग देखेंगे कुछ इस पे बेस्ड एम्पलीफायर्स, फीडबैक एम्पलीफायर्स, फीड बैक बैक एम्पलीफायर्स। और लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपका होगा वो आईसी सर्किट्स, आईसी सर्किट कुछ होंगे। बात करेंगे हम लोग ऑसिलेटर वगैरह के बारे में बात करेंगे, आईसी सर्किट्स। चलो इसे रख लो, आईसी सर्किट्स। सर
ओके सो ये हम लोगों ने कुछ बात करनी है इसके बारे में, पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कवर करना है और बातें करेंगे इसमें और भी कुछ, जैसे जैसे एक मिनट रुकिएगा जरा इसके पेजेस। हाँ ओके सो जो अपने को डिवाइड करना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायोड्स के बारे में। डायोड्स के बारे में, डायोड्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चैप्टर्स डिवाइड करने हैं, यानी सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा अपना सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अभी कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं डिक्टेट कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप नोट डाउन मत करिएगा। आपको नोट डाउन करना होगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा। तो डायोड्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तीन पार्ट्स में, जैसे आपका सबसे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और दूसरा जो पार्ट मैं कहता हूँ वो हम लोग बनाएंगे कौन सा, डायोड। डायोड के बारे में ही पढ़ेंगे डेडिकेटेड होके। और जो थर्ड वाला पार्ट होगा वो होगा डायोड सर्किटरी। डायोड सर्किटरी। सो मैं कहता हूं इसको, मैं कहता हूं ये लेक्चर नंबर वन रहेगा, ये आपका पूरा लेक्चर नंबर वन रहेगा, और यहां पे मैं इसको कहता हूं लेक्चर नंबर टू आपका रहेगा ये, और ये वाला जो लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर थ्री होगा। इन तीन लेक्चर्स में हम लोगों को पूरा डायोड, डायोड के बारे में और डायोड के जितनी भी सर्किटरी हैं उसको ओवर करना है, ठीक है। ओके तो आप इसे अभी सिर्फ सिंपल ये बना के आप लिखिए डायोड्स के बारे में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो डायोड्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे बना सकते हैं अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार आप इसे बना लो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। वॉइस क्लियर हो रही है सभी को? जी सर। एक बार आप इसे बना लीजिए। हो गया सर। ओके डन। सो हाँ बताइए। हो गया सर। ओके चलिए ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायोड सर्किटरी के बारे में, या सबसे पहला जो अपना लेक्चर नंबर वन है दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सिंपली इसमें हम लोगों को क्या डिजाइन करना है, कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, जैसे पी टाइप मटेरियल कैसे डिजाइन करते हैं, एन टाइप मटेरियल को कैसे डिजाइन करते हैं, और उसके बाद जब हम लोगों ने डिजाइन कर लेना है पी टाइप एन टाइप मटेरियल, मीन्स यहाँ पे हमें देखना है कि मटेरियल की डिजाइनिंग क्या हो, कैसे करते हैं और किन किन तरह से हम इसको कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का नेचर कैसा होता है, मीन्स हमारे पास जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा होता है, वो कैसे कैसे कैटेगराइज्ड है। तो अगर मैं बात करूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो मैं कह सकता हूं मटेरियल हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं, इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर या मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो हम लोग कह सकते हैं ये तीन तरीके से क्लासिफाई होता है। द फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका कैसा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन मटेरियल। धीरे धीरे हम लोग सारी बातें समझेंगे, अभी बस आप नोट करिए, नोट नहीं करना है, अभी बस आप स्क्रीन को देखते रहिए, मैं बताऊंगा आपको कब नोट करना है। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स कौन से होते हैं, तो बचपन में आपने देखा होगा जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब 12th वगैरह में या कभी पढ़ा होगा
तो आपको कभी ऐसा देखा होगा कि आप ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते थे, जहां पे आप क्या करते थे, कहते थे एक यहाँ पे आपके पास वो प्रेजेंट है, मटेरियल आयंस प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे करके आप बातें करते थे कुछ ऐसे, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते थे, जैसे आपने देखा होगा FBB, मतलब फेस बॉडी सेंटर्ड, ऐसे करके आपने कुछ पढ़ा होगा, जहाँ पे आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करते थे, देखते थे। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अगर मैं एक सैंपल लेता हूं, सैंपल मींस कोई भी मटेरियल का एक सैंपल हम उठा लिए, इस सैंपल को अगर मैं काट के देखता हूं, क्रिस्टलाइन मटेरियल के सैंपल को काट के देखता हूं, तो इसका जो अरेंजमेंट मिलेगा, एटम्स का जो अरेंजमेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वेल पैटर्न मिलेगा। वेल पैटर्न यानी इसके सारे एटम्स जो होंगे इस बॉडी के अंदर वेल पैटर्न अरेंज होंगे, एक एक करके इन अ सिमिलर मैनर। जैसे यहाँ पे आप देखो, सारे एटम्स जो हैं एक वे में अरेंज हैं, इनमें कोई भी डिफॉर्मेशन या कोई भी इनके पैटर्न में चेंज नहीं है, चाहे आप वर्टिकल देख लो या हॉरिजेंटल देख लो। इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन, प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल बोलते हैं। तो जिनके एटम्स का स्ट्रक्चर एक जैसा मिलेगा, कहीं से भी आप काट लो, कहीं से भी इसके सैंपल्स को उठा लो, अगर इसका स्ट्रक्चर एक जैसा मिल गया, तो इस तरह का मटेरियल हमारा कहता है, कहलाता है कौन सा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बोलो भाई, जिसमें कोई भी आपको एरर नहीं मिलेगा, किसी भी डायमेंशन से आप काट लीजिए, कैसे भी काट लीजिए, इसमें आपको कोई भी एरर नहीं नजर आएगा। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन, प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो सर राइट डाउन एरर करिए, एरर सर एरर मतलब एरर मीन्स वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस मीन्स जैसे सपोज करिए ये एक मटेरियल है, इसको मैंने काटा तो इसका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से मिला मेरे को, है ना। और अगर क्या होता कि यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता, मीन्स सपोज यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता, यानी इसी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर वही है, मटेरियल वही है, बट यहाँ पे अभी क्या मिल गया आपके पास, एक वैकेंट स्पेस आ गया, ये वैकेंट हो गया, तो ये कहलाता है, ये इस तरह का मटेरियल, इस तरह के स्ट्रक्चर कहलाते हैं। मीन्स इसमें वैकेंट आना एक एक एरर होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ये हम अलाउ नहीं करते। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मटेरियल ऐसा होता है जिसमें आप किसी भी पैटर्न पे, किसी भी स्ट्रक्चर से कहीं से भी काट लो, तो उनका पैटर्न, एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो सेम पैटर्न में मिलता है। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन मटेरियल या क्रिस्टल स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। नोट डाउन करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, नेम ऑफ द चैप्टर इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। हो गया सर। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में क्रिस्टलाइन मटेरियल, इसके नीचे डेफिनेशन लिखिए, इसके नीचे डेफिनेशन लिखिए, रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसका कर्सर गायब हो जा रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टलाइन, इन अ मटेरियल लिख लो, इन अ मटेरियल इज नोन एज क्रिस्टलाइन मटेरियल। नोट करके लिखिए, इसके नीचे आगे नोट करके लिखिएगा, नोट। दिस पैटर्न इज रिपीटेड
itself itself in all the direction, all the direction, सभी डायरेक्शन में खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। इसका मतलब आप किस कहीं से भी इसको अगर निकालते हैं तो इसकी ये पैटर्न सेम मिलेगा, ये अरेंजमेंट सेम मिलेगा। स्लाइड चेंज करूं? जी सर। ओके ओके। अब दूसरा जो मटेरियल होता है, जो दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस मटेरियल, अमॉर्फस मटेरियल कौन से होते हैं? जिनका पैटर्न जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया किसी मटेरियल से और इसमें मेरे को जब मैं इसे काटा तो यहाँ पे एक एटम मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, तीसरा यहाँ पे मिला, चौथा पांचवा छठा सातवा आठ, ऐसे कहीं से भी रैंडम अरेंजमेंट है इसमें एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं अमॉर्फस मटेरियल। इस तरह का मटेरियल क्या कहलाया? अमॉर्फस। इसका मतलब है अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं तो कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, दोज मटेरियल विच डू नॉट हैव एनी, डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पैटर्न, they are known as amorphous material, amorphous material। बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। सर क्रिस्टलाइन मटेरियल का थोड़ा सा दिखाइए ना, कंप्लीट नहीं लिखा। ओके, क्रिस्टलाइन मटेरियल देख लेते हैं, प्रीवियस पेज। सर इसका एग्जांपल कोई भी मटेरियल हो सकता है। हाँ, एग्जांपल में अब हम इतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि ये अपने सिलेबस से बाहर की चीज है। हमारा जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मटेरियल होता है कैसा है, दिखता कैसा है, बस अरेंजमेंट के बारे में, इसकी केमिस्ट्री पे हमें नहीं जाना है, कौन से मटेरियल ऐसे अरेंज है कौन से नहीं है उसमें हमें अभी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कभी होगा तो बात करेंगे हम। नेक्स्ट करें। जी सर। ओके सर। ओके, ओके, सो नेक्स्ट है अपने पास अमॉर्फस मटेरियल। अमॉर्फस में क्या हुआ कि आपके पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इनके अरेंजमेंट का, एटम्स के अरेंजमेंट का, रैंडमली अरेंज होते हैं। तो मैं कह सकता हूं, नोट नोट में लिखूंगा क्या, एटम्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ऐसे एटम्स कैसे होते हैं? रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सो मैं कह सकता हूं, नो फिक्स्ड पैटर्न, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। ओके, स्लाइड नोट डाउन करिए। हो गया सर। ओके,
ठीक है, अब जो थर्ड मटेरियल आता है आपके पास, थर्ड इज व्हाट? थर्ड मटेरियल आपके पास आया जिसको हम नाम देते हैं स्यूडो क्रिस्टेलाइन, स्यूडो क्रिस्टेलाइन मटेरियल, स्यूडो क्रिस्टेलाइन मटेरियल। स्यूडो मीन्स बता सकता है क्या कोई? स्यूडो मटेरियल, स्यूडो किसे कहते हैं? स्यूडो किसे नाम दिया जाता है? कोई आइडिया? सिंगल ना ना ना, स्यूडो मीन्स होता है अच्छा कॉपी झूठा। करने वाला। हाँ झूठा, झूठा है ना, ऐसा मटेरियल जो क्या हो, कैसा? स्यूडो क्रिस्टलाइन, इट मीन्स व्हाट? स्यूडो है, कैसा स्यूडो है? क्रिस्टलाइन का झूठा, मतलब दिख तो रहा है वो क्रिस्टलाइन जैसा बट है नहीं। अगर मैं ऐसा मटेरियल डिजाइन करता हूँ या ऐसे मटेरियल को मैं देखता हूँ, उसका सैंपल उठा के अगर मैं देखता हूँ कहीं से भी, तो सपोज करिए एक सैंपल है, अगर इसको स्यूडो होना है मीन्स इसको झूठा दिखना है, तो झूठा दिखना है कैसा? क्रिस्टल में, क्रिस्टल क्रिस्टलाइन होना चाहिए बट कैसा होना चाहिए? झूठा। तो मैं कहूंगा इसके डोमेन्स होते हैं, सपोज करो ये इसका एक डोमेन हो गया और एक डोमेन इसका इस तरह से, और कुछ इस तरह से बना लेते हैं, और इस तरह से मैंने बना लिया है ना। अब यहाँ पे देखो, ये सपोज करिए, यानी एक टाइम पे जो मटेरियल अरेंज होगा एक डोमेन में, वो प्योर क्रिस्टलाइन प्रॉपर अरेंजमेंट दिखेगा इसका। मीन्स इस डोमेन में आप देखोगे तो सेम पैटर्न मिलेगा, इस डोमेन में आपको एटम्स क्या होंगे, सेम अरेंज्ड होंगे जैसे जैसे क्रिस्टलाइन मटेरियल में अरेंज हो रहे थे। बट एक एक डोमेन में तो आपको सेम पैटर्न में अरेंज मिल जाएगा। जैसे यहां पे मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं हो सकता है इसमें इस तरह से अरेंज हो, यहाँ का जो अरेंजमेंट होगा वो हो सकता है ऐसे अरेंज हो, इनका पैटर्न अलग हो, यहाँ पे इसका ऐसा, मीन्स इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है, सभी के अगर अलग अलग पैटर्न आपको अवेलेबल होने लगे, सपोज करिए इसमें कुछ इस तरह से पैटर्न होगा, इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे आप बात करें तो इसका पैटर्न सपोज करिए इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे एटम्स इस वे में अरेंज हो सकते हैं, और यहाँ पे एटम किसी दूसरे वे में अरेंज है, मीन्स यहाँ पे हो सकता है एटम इस वे में अरेंज हो। यानी एक डोमेन में ये एक्चुअल में दिख तो रहा है क्रिस्टलाइन नेचर का, किसमें? इस डोमेन में, इस वाले डोमेन में आपको दिख रहा है क्रिस्टलाइन नेचर का, बट क्रिस्टलाइन नेचर है नहीं। इस वाले डोमेन में आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्रिस्टलाइन नेचर का। क्रिस्टलाइन नेचर बट किसमें? ओनली इन डोमेन, बट ओनली इन डोमेन्स, डोमेन्स के अंदर ही है। इस वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सीडो। सीडो मीन्स झूठा है ये, एक्चुअल में इसे दिखना चाहिए था, या तो इसे दिखना चाहिए था कैसा, एमॉर्फस की तरह, या तो इसे दिखना चाहिए था कैसा, क्रिस्टलाइन की तरह, बट ये दोनों की तरह दिख रहा है। इस एरिया में, इस डोमेन में ये प्योर क्रिस्टल फॉर्म में है, इस एरिया में प्योर क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज है, इन सभी डोमेन में, छोटे छोटे डोमेन में प्योर क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज है, बट ओवरऑल इस सैंपल में ये कैसा है, सीडो एमॉर्फस नेचर का है, तो इस वजह से हम लोग इसको नाम दे देते हैं सीडो क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो मैं कह सकता हूं क्या, कि क्या कह सकता हूं, कह सकता हूं कि भैया देखो ऐसा है कि जो सीडो क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो लाई करता है, इट लाइज बिटवीन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। नोट डाउन करिए इसे,
हो गया। जी ओके चले, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी सर बिल्कुल इजी इजी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई भी परेशानी हो तो मेरे को एक बार बता दें। हैंडराइटिंग समझ आ रही है क्या? जी सभी को समझ आ रही है? यस सर। श्योर। ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। दैट इज भोर मॉडल। भोर मॉडल कोई बता सकता है क्या? भोर का क्या मॉडल था? 2882 हाँ, मीन्स भोर ये कहा था कि अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो द एटम इज स्टेबल। बोलो यार, वो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल कहलाएगा। ऐसे ही कुछ कह के गए थे क्या उन्होंने कि भैया देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहलाएगा स्टेबल। बोलो हाँ या ना, बोलिए भाई। सपोज करो, बोलिए। हाँ सपोज करो, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट अस सपोज, मैं एग्जाम्पल लेता हूं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का सिक्स एटॉमिक नंबर 6। ओके सो 6 को अगर मैं भोर मॉडल से लिखूं तो क्या बनेगा बताओ? टू टू फोर एंड फोर, है ना? तो आउटर मोस्ट में कितना बच गया? आउटर मोस्ट पे जो बच गया दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट सेल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इसको स्टेबल होना है, अगर इसे स्टेबल होना है तो इसका मतलब है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, या 4 इलेक्ट्रॉन ये दे रहे, ये कंडीशन पॉसिबल है। इसी वजह से ये, चलो एक और बात करते हैं। अब एक बात बताओ, सपोज करो एक एटम कार्बन को ही ले लेता हूं, तो कार्बन कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4, है ना? चार। तो मैंने 4 लिख दिया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी 4 होंगे। इलेक्ट्रिकली ये कैसा है? न्यूट्रल है। ओके नाउ अगर सपोज करो इसके पास एक और सेम कार्बन प्रेजेंट हो, तो मैं कहा कि ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर प्रोटॉन अवेलेबल होगा, ये इसका फर्स्ट सेल होगा और ये इसका क्या होगा? सेकेंड सेल होगा, है ना? ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहाँ पे मिल गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं कहा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसका आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पे। ओके एक और है कार्बन का एटम, तो इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। वेट, एक और कार्बन का एटम ले सकते हैं हम, और इसे मैं ड्रॉ किया ऐसे, अगेन ऐसे। मेरे को कोई बता सकता है क्या इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहा है? इनमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी तो मेरे को दो तरह का फोर्स दिख रहा है, कौन कौन सा? एक तो इस इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, तो मैं कहा फोर्स ऑफ क्या होगा? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक सिमिलर मैनर में एक फोर्स यहां पे भी लग रहा होगा, जिसे मैं कहूंगा कौन सा? इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स को मैं कहा, सेम चार्ज है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन? रिपल्सन फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। अगेन यहां पे देखोगे तो आपके पास एक फोर्स और नजर आएगा, कौन सा है ये वाला फोर्स? प्रोटॉन
और ये प्रोटॉन सेम नेचर है, फोर्स ऑफ क्या बन गया, रिपल्शन, एफ ऑफ रिपल्शन, है ना भाई। और इसी तरह से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखता हूं तो एक फोर्स लगता हुआ नजर आएगा इस प्रोटॉन के ऊपर, तो इसे मैं कह सकता हूं एक फोर्स यहां पे भी लग रहा है जिसे मैं नाम देता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो एक और फोर्स लग रहा है, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर इस ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, इसका भी कुछ मास और इसका कुछ मास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एफ ऑफ जी भी लग रहा है सभी के ऊपर। यानी अगर मैं कहूं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज मच 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 लेटर देन लेस देन इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे कह सकते हैं। इस वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट नहीं करते हैं, ओनली हम कंसिडर करके चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है। तो इतने तरह के फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। पहले आप ये पहली वाली स्लाइड बनाइए और उसके बाद ये दूसरी वाली स्लाइड बनाइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बनाओ, कुछ है नहीं इसमें, छोटा छोटा स्लाइड है। नेक्स्ट करूं, इसको अच्छे से ड्रॉ करना आप, सिंपल। सर एफ ऑफ जी को क्या को बोला था सर? एफ ऑफ जी को ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट चले, जी सर। सभी का हो गया। हो गया सर। ओके नाउ अब देखो, जब भी बॉन्ड बनता है, यहां देखो, जब भी बॉन्ड बनता है, व्हेन एवर द बॉन्ड इज फॉर्म, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम पे दो तरह के एनर्जीज में स्प्लिट हो जाता है, दो तरह के एनर्जीज में, एक एंटी बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग, और दूसरा क्या हो जाता है, बॉन्डिंग। अब अगर सपोज करिए, अगर मैं एनर्जी चेंज इन एनर्जी की बात करता हूं कि एनर्जी में कितना चेंज आता है, तो आप बता सकते हो फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी आप लिखो, तो मैं कह सकता हूं चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू जितना फोर्स लग रहा होगा और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कहा एक फोर्स और इसके ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं, जो एनर्जी हुआ वो कितना हुआ, एफ इंटू डी इंटू कितना, डी एक्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया देखो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जैसे पिछली वाली स्लाइड में अगर मैं देखूं, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो या तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, या तो ये दे दिया या तो ये ले सकता है। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसमें चेंज आ जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज आ रहा है तो फोर्स तो लग ही रहा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी चेंज होगी। अगर एनर्जी अपने स्टेट को चेंज कर रही है तो ये दो फॉर्म में चेंज करती है, कौन कौन सा, फर्स्ट इज एंटी बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज बॉन्डिंग, जो बॉन्ड कर गए, जो दो एटम्स एक साथ जुड़ गए उनमें, और एक एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड नहीं किया, इसको बनाइए, व्हेन एवर द बॉन्ड इज फॉर्म, तो ये दो पार्ट में एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, और फॉर्मूला लिखिए पोटेंशियल एनर्जी का।
गया ओके, सभी का हो गया? सर। यस सर। ओके, छोटा ही छोटा स्लाइड रहेगा, आप ऐसे लिखते चले जाओ, क्योंकि एक्चुअली बहुत छोटे में वैसा लग रहा है। ओके, आइए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं नोट नंबर वन, जो एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग हैज हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी एनर्जी लेवल। इसके पास लेवल क्या होता है? हाई एनर्जी लेवल का होता है। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, बॉन्डिंग बॉन्डिंग हैज बॉन्डिंग हैज लो एनर्जी एनर्जी लेवल। बॉन्डिंग का क्या होता है? एनर्जी लेवल कम होता है। इसको अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, हाई एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैंड गैप में हमें इसी का कैटेगराइज अभी हम लोग करेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल, कितने कितने एनर्जी गैप कौन कौन से मटेरियल होते हैं। इसको लिखिएगा, बॉन्डिंग की स्पेलिंग देख लीजिए, बॉन्डिंग की स्पेलिंग एरर है। ठीक है, इसका मतलब जब भी कोई दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम जुड़ते हैं, या दो जब भी कोई एक मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें दो टाइप के एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट कौन सा? हायर एनर्जी लेवल, जो एंटी बॉन्डिंग की वजह से बन जाता है, हायर एनर्जी लेवल जो एंटी बॉन्डिंग की वजह से बन जाता है, और लोअर एनर्जी लेवल जो बॉन्डिंग की वजह से बन जाता है। इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स या एटम में अगर बॉन्ड बॉन्ड बनना है, तो अगर एक बात बताओ, अगर बॉन्ड हो जाएगा तो वो टूटेंगे क्या? वो बॉन्ड टूट सकता है क्या जो बॉन्डिंग में चला गया? सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी प्रोटॉन से अगर जुट गया, तो ये बॉन्ड बन गया आयन आयनिक, मीन्स एक ऐसा हुआ कि जैसे NaCl, NaCl, यानी इसका अगर बॉन्ड बन गया तो ये टूटना चाहेगा क्या? ये टूटना नहीं चाहेगा, मीन्स इस अगर जो भी बॉन्ड बनाएगा वो प्रॉपर स्टेबल होगा। और एक ऐसे होंगे जो एंटी बॉन्डिंग होंगे, जो अनस्टेबिलिटी की तरफ यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करने की कोशिश में लगे रहेंगे। यानी दो लोग ऐसे हैं, एक लोग एक ने क्या कर लिया, अपनी एनर्जी लेवल को बहुत कम रखा है, बहुत लो पे ले गया है, और एक ऐसा है कि जिसकी एनर्जी लेवल क्या है, बहुत हाई है। इट मीन्स उसको आप जरा सा फोर्स दोगे, जरा सा एनर्जी लगाओगे, तो वो अपना सेल छोड़ के दूसरे सेल में चला जाएगा, या अपना सेल छोड़ देगा वो, और जिस वजह से मटेरियल के अंदर कंडक्टिंग स्टेट आ जाता है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली डिजाइन करता हूँ, या मैं कहता हूँ इसको मैं ग्राफिकली देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सपोज करिए ये आपके पास कुछ पैरामीटर है, एक मिनट, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं। तो मैं कहा यहां पे मैं एनर्जी लेवल ड्रॉ करता हूं, तो ये अपने पास बन गया, ये अपने पास बन जाएगा एक दो, ये बहुत पास पास होंगे, तीन चार पांच, ठीक। और ये वाला जो बैंड होगा, मीन्स यहां से यहां तक का जो बैंड होगा, ये वाले बैंड क्या होंगे? हायर एनर्जी लेवल पे होंगे।
तो मैं कहा ये वाला बैंड जो कहलाया दैट इज हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी वेट, हायर एनर्जी लेवल, और ये वाला जो बैंड है कौन सा वाला, ये वाला, इसको मैं कहा लोअर एनर्जी एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। तो ये वाला आप बैंड बता सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल वाला बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग होगा, लोअर एनर्जी लेवल बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग 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 नेचर का है, और ये वाला कैसा है हायर एनर्जी लेवल कैसा है अपना, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, मींस ये बॉन्ड नहीं बना रहा है। अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है तो किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पे आपके पास जो अवेलेबिलिटी होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे नीचे यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बहुत कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। इसके बीच में यानी इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, एक्चुअल में ये होता कॉन्टिन्यूअस है, ये होता कॉन्टिन्यूअस है, बट गैप इस वजह से मैं बना के दिखा रहा हूं ताकि मेरे को डिफरेंस पता चले। ऊपर वाले में इस एरिया में जो हायर एनर्जी लेवल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जो बॉन्डेड होंगे, हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है भाई, किसी को कोई इशू पूछ सकता है, किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। सर रेड कलर से एक बार करके बताइए तो, अभी का काम है फ्री इलेक्ट्रॉन होगा अपने, क्या हुआ सर वो रेड पेन यूज करके, ओके रेड पेन यूज कर, ओके ओके ठीक है। मैं कहा कि अगर बॉन्ड बॉन्ड बन रहा है, दो एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्डिंग होती है, एक बार और मैं बताता हूं, यहां पे आइए प्रीवियस में चलते हैं। मैं कहा अगर दो एटम है, सपोज करिए ये एटम ए था, ये एटम ए था और ये एटम बी था, है ना, इन दोनों एटम्स में अगर बॉन्ड बॉन्ड बन रहा है तो जब भी बॉन्ड बनता है तो ऑलवेज दो तरह के एनर्जी लेवल्स फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी एनर्जी लेवल्स फॉर्म होगी, एक होगी आपके पास एंटी बॉन्डिंग और दूसरा एनर्जी लेवल बनेगा बॉन्डिंग का। वो एनर्जी लेवल या एनर्जी को हम लोग निकालते हैं इससे यू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आ गई। मैं कहा अब इसमें दो तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, कौन कौन सी, एंटी बॉन्डिंग ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा हायर एनर्जी लेवल को और बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है लोअर लोअर एनर्जी लेवल को। तो मैं कहा जो एंटी बॉन्डिंग या हायर एनर्जी लेवल है उसको हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और एक होता है आपके पास कौन सा, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर एनर्जी लेवल पे जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसको इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, दिस इज नोन एज एनर्जी एनर्जी बैंड डायग्राम।
तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो सभी के पास क्या होगा, एनर्जी बैंड डायग्राम अवेलेबल होगा। अभी तक कोई इशू? नो सर। बोलो भाई। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है, लिखना था क्या, किसी का छूटा है? ओके, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एनर्जी बैंड डायग्राम। व्हाट इज एनर्जी बैंड डायग्राम? आंसर आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं, लिखना नहीं है, आप बस ऐसे डिक्टेट कर दीजिए। कोई भी कुछ जो अभी तक समझ में आया आप बता सकते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग एंड द नंबर्स ऑफ नो। हाँ ठीक है, कह सकते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऐसे कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के पास। जैसे अभी आपने देखा कि जो एंटी बॉन्डिंग है वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जॉइंट में आप देख रहे हैं, बॉन्डिंग में देख रहे हैं, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम अवेलेबल है। तो मैं कह सकता हूं इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जी बैंड और लेवल्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट डाउन करिए, वेयर क्या हायर लेवल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंडक्शन बैंड और लोअर लेवल एनर्जी बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों नाम दिया? यहां पे देखिए, इस वाले बैंड को मैं नाम दे रहा हूं, हायर एनर्जी लेवल को कंडक्शन बैंड नाम देता हूं मैं, और जो लोअर एनर्जी लेवल है इसको मैं कहता हूं वैलेंस बैंड कहता हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि रेडी है कंडक्ट करने के लिए हाँ, हायर एनर्जी लेवल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से ये क्या कर लेगा, कंडक्ट करेगा, तो इस वजह से इसका नाम मैंने दिया कंडक्शन बैंड। लोअर एनर्जी लेवल में क्या है, यहां से कंडक्ट करना करवाना बहुत पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा ताकि वो वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है वैलेंस बैंड। राइट डाउन करिए, अभी तक किसी को कोई इशू? नो सर।
चले भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। जी वॉइस तो क्लियर है, मेरी बात समझ तो आ रही है, लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। चले जी सर, हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इतना पता चल गया कि भैया देखो दो एटम्स को जोड़े तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल पे होगा, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है उसको हम लोग ने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड। और एक हो गया लोअर एनर्जी लेवल, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, जहां से कंडक्ट कराना थोड़ा पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं वोल्टेज लगा के एनर्जी लगा के उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाते हैं। ये बात हो गई कुछ एनर्जी लेवल्स की एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हमें ये जानना है कि मटेरियल कैसे क्लासिफाई है एनर्जी लेवल के बेस पे। तो हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कितने तरीके से हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे हम लोग कैसे इसे क्लासिफाई कर रहे हैं बताइए। मैं कहा इसका क्लासिफिकेशन जो है हम लोग दो तरीके से करते हैं, तीन तरीके से। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इज ओके ठीक है, तो हमने कहा शिप ओके, तो मैं कहता हूं ये ऊपर वाला जो एनर्जी बैंड है यहां से लेके मैं इसको नाम दे दिया, सपोज करिए मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको क्या नाम देता हूं कंडक्शन बैंड। और एक यहाँ पे अगर आपके पास बैंड मिलता है जिसको मैं नाम दे दिया कौन सा वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में एक गैप मिल गया, और इस गैप की वैल्यू जिसको मैं कहता हूं ईजी नॉट, इसे मैं नाम देता हूं इजी नॉट, ये अगर 6 वोल्ट या 6 से ज्यादा वोल्ट की मिलती है, 6 वोल्ट या 6 से ज्यादा वोल्ट की मिलती है, तो इस तरह के मटेरियल को मैं नाम देता हूं इंसुलेटर। इस तरह का मटेरियल क्या कहलाता है इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ओके, एक और मटेरियल आपको मिलेगा जो क्या होगा, जिसके एनर्जी गैप क्या होंगे जनरली ओवरलैप्ड होंगे, जनरली ओवरलैप्ड होंगे, जैसे एक ये एनर्जी बैंड मिल गया और एक एनर्जी बैंड आपको कैसा मिला यहां पे देखो ये मिल गया, इसका कंडक्शन बैंड ब्लैक वाला है और रेड वाला कौन सा है वैलेंस बैंड, ये वाला बैंड कैसा है वैलेंस बैंड, और ब्लैक वाला जो बैंड है वो कैसा है ये है आपके पास कहाँ गया कर सर, हाँ ये है आपके पास कंडक्शन बैंड। तो ये वाला एरिया आप देखोगे कौन सा वाला, ये वाला एरिया क्या है कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है। अगर
ओवरलैपिंग हो गया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं कौन सा, कोई बता सकता है क्या? कंडक्टर। ये मटेरियल क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। तो व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर बता सकता है क्या कैसा होगा? सेमीकंडक्टर के बारे में कोई बता सकता है कैसा होगा? अगर मैं गेस करता हूं तो कैसा होना चाहिए? वैलेंस बैंड कम होगा। हाँ, बैलेंस। ठीक है, एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इट मींस ये आपके पास कंडक्शन बैंड हो गया और ये आपके पास क्या हो गया? वैलेंस बैंड हो गया। दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस वन इज योर वैलेंस बैंड। सो द एनर्जी लेवल बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे कम रहता है, तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं कौन सा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ये मटेरियल कौन सा कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। सो तीनों बनाइए इसे। सर क्या लिखा है? ईजी क्या लिखा है इसको? कौन सा? ईजी नॉट। ईजी नॉट। ईजी नॉट। ईजी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना सर? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चले नेक्स्ट। जी हो गया, सभी का हो गया? बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। जी सर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है अपना। ये तो हम लोगों ने किसके बेसिस पे डिफाइन किया? एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे डिफाइन किया। सेकंड जो अपना अपने पास क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स का, क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। मींस ये डिसाइड करेंगे कि किसकी रेसिस्टिविटी कितनी ज्यादा है और किसकी रेसिस्टिविटी कितनी कम है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट कैसा? सपोज करो एक एटम है, ये आपके पास प्रोटॉन न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ओके, अब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और एक इलेक्ट्रॉन इस सेल में है और एक इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, इसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा। ओके, और आप देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में भी क्या होगा? एक फोर्स नजर आएगा। एक फोर्स आप देखोगे, इस तरह के फोर्स को मैं कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक फोर्स जो लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, वो कौन सा लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलरेडी नोन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच 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 लेसर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, सो ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी जीरो, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो इसके बीच में एक फोर्स लगा है, वो कौन सा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो आप इस वाले के बीच में, कौन से का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इनर सेल का या आउटर सेल का? इनर सेल का या आउटर सेल का, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा?
एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनर का होगा सर, जो इनर होगा उसका ज्यादा होगा, जो जो आउटर होगा उसका ज्यादा होगा? इनर का होगा। ओके, मेरे को कैसे पता? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4πε0q1q2/r2। अगर r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी अगर ये रेडियस इंक्रीज होते चला गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बहुत कम लगेगा। अब एक बात बताओ, इनर इलेक्ट्रॉन को, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है या आउटर सेल को इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है? आउटर, ऑब्वियसली बात है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी है। तो अगर मैं आपको एक एलिमेंट का नाम देता हूं, दैट इज एग्जांपल मैं लिखता हूं सिलिकॉन, इट हैज 14 एटॉमिक नंबर, और एक मैं लिखा जर्मेनियम, जर्मेनियम का कितना होता है, 32। ओके, तो आप मेरे को बताओ किसको निकालना, किसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होना इजी है और किसमें से इलेक्ट्रॉन का लिबरेट होना इजी नहीं है? जर्मेनियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा या सिलिकॉन? कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा, जर्मेनियम या सिलिकॉन? जर्मेनियम, ऑब्वियस सी बात है जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ सेल्स क्या है, बहुत ज्यादा है, इस वजह से इजिली लिबरेशन इसमें हो जाएगा। नाउ मैं कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं बाहर से, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं बाहर से, उसको मैं नाम देता हूं वर्क फंक्शन, यानी जितनी एनर्जी हमें बाहर से खर्च करनी होती है उसे मैं कहता हूं वर्क फंक्शन। सो पहले इसे बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी कंसेप्ट में, ऐसे छोटा सा बनाइए। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैं लिख देता हूं फिर से, बी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, ऑन द बेसिस, साथ में लिखते चलिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी द कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, एक एटम है, इसके चारों ओर सेल्स अवेलेबल है। ओके, सो अगर सेल्स अवेलेबल हैं, तो मैं कहा इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दैट इज ये, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं एफ ऑफ ई से, एफ ऑफ ई से। सो एफ ऑफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। सो यहां से मैं लिख सकता हूं आउटर मोस्ट सेल, सेल लिबरेट, लिबरेट फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजिली, इजिली। सो मैं कहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो यहां पे मैं एक क्या लगाता हूं, एनर्जी लगाता हूं, दैट इज एच न्यू। एच न्यू लगाते ही यहां से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और जो एनर्जी लगी है यानी उसे हम क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट, टू लिबरेट
द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कितना, सेल के ऊपर कितना एनर्जी लगाना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। कोई इशू अभी तक, कोई इशू किसी को? सर ये क्या लिखा है, एच बी लिखा है ना, एच यू लिखा है सर, वर्क फंक्शन को? वर्क फंक्शन द अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं नहीं रिक्वायर्ड टू नहीं लिव, नहीं 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 सर, ये ऊपर वाला डायग्राम में जो एच यू लिखा है ना, एच वी लिखा है। एच न्यू लिखा है, न्यू 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 न्यू, एच न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू प्लैंक कांस्टेंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ वेवलेंथ इस पे डालिए, ठीक है। सो जितना अमाउंट हमें उसको ऊपर लगाना पड़ा उस वहां से लिबरेट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। बोलो भाई अभी तक कोई इशू, नो कोई सर। दिक्कत? आगे बढ़े? जी सर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर मैं कहता हूं, सपोज करिए आपके पास एक एलिमेंट ए है, मैं कहा मेरे पास एक एलिमेंट ए है, एक सेल हुआ इसका, ये दूसरा सेल हुआ और ये तीसरा सेल हुआ, है ना, तीन सेल के हैं, इसके पास तीन सेल है। एक एलिमेंट बी है, एक सेल अवेलेबल है, दो सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, फोर सेल अवेलेबल है इसके अंदर, और एक चौथा एलिमेंट है सी। सी के पास 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट वन इज 5, लास्ट वन छोड़ो, हाँ चलो मेरे से सर्कल बन ही नहीं रहा, लास्ट ही कर लेते हैं इसे, ठीक है। सो लास्ट वन जो अवेलेबल होगा वो 5 सेल का है, आप सर्कल सही से बनाइएगा। तो आप बताइए, अगर मैं कहूं कि मेरे को बताओ, अरेंज अरेंज एज पर दियर रेसिस्टिविटी, किसका रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे ज्यादा रेसिस्ट करेगा, किसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ए की, बी की या सी की? ए। ऑब्वियस सी बात है, यानी रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज, ये क्या होगी, ग्रेटर है किससे, रेसिस्टिविटी ऑफ बी। अच्छा बी और सी में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, ए बी की या सी की? बी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, रेसिस्टिविटी ऑफ सी इज लेस देन रेसिस्टिविटी ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे रेसिस्टिविटी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। बनाइए इसे, वॉट इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या है, कोई बता सकता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल। वो तो आपका वर्क फंक्शन हो गया ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल, वो तो वर्क फंक्शन हो गया, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगा रहे हो। अगर आप ज्यादा लगाते हो तो वर्क फंक्शन मीन्स लिबरेशन, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहे हो मीन्स रेसिस्टिविटी उसकी क्या है, ज्यादा है। कम लगा रहे हो तो रेसिस्टिविटी उसकी क्या है, कम है, मीन्स कंडक्टिविटी उसका ज्यादा है। रेसिस्टिविटी को मैं ऐसा कह सकता हूँ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल,
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल that opposes the flow of electron, flow of electron, electron के flow को क्या कर रहा हो, oppose कर रहा हो. Write down करिए. Unit बता सकता है क्या कोई इसका? Unit ohm. नहीं, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस होता है. R इज इक्वल्स टू रो एल बाई कितना होता है, ए होता है ना. ए मीन्स एरिया, एल मीन्स लेंथ, रो मीन्स रेसिस्टिविटी एंड R मीन्स रेसिस्टेंस. सो अगर मेरे को यहां से यूनिट निकालना होगा किसका, रेसिस्टिविटी का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R इंटू ए अपॉन एल, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? जी ओके. तो R की वैल्यू, R का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और A का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया जो लिखते हो आप किसमें, मीटर स्क्वायर में, और L का यूनिट किसमें लिखते हो, मीटर में लिखते हो. तो यहां से देखोगे एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, ओम मीटर. बोलो, रेसिस्टिविटी की यूनिट बन गई ओम मीटर. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सिनोनिम ऑफ वर्क फंक्शन. बिल्कुल बिल्कुल, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको होल्ड करके रखता है. ओके, नेक्स्ट चले. जी सर. ओके, सो रेसिस्टिविटी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, उसका यूनिट डिफाइन कर लिया. अब क्वेश्चंस एग्जाम्स में कभी कभार डायरेक्ट डेटाबेस आ जाते हैं. डेटाबेस क्वेश्चन कैसे आता है कि आपसे पूछेगा वो कि मेरे को बता दो कि कंडक्टर की कितनी रेसिस्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर की कितनी रेसिस्टिविटी होती है, और इंसुलेटर की कितनी रेसिस्टिविटी होती है. ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं. बाकी हम लोग कल कैटेगराइज करेंगे कि रेसिस्टिविटी के कौन कौन से मटेरियल किसकी कितनी रेसिस्टिविटी होती है, और एक तरीके से जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल या मटेरियल को कितने तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं. अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में. सर, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में था ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं होता है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ना सर. नहीं, इलेक्ट्रोस एक्चुअली क्या है कि पूछो, पुलो, पहले पूरा पूछो. आप जो आप ड्रैगम में दिखाया था ना सर, वो ऊपर वाला सर, वो वाला ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी का उत्तर में ड्रैगम में सर. तो आप वो जो स्लाइड जो गायब हो गया था ना, उसमें आप जो एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो जीरो हो गया था ना सर, तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कौन सा वाला को बोल रहा था, वो अच्छे से सुनाई नहीं दिया सर. ओके ओके, देखो उस स्लाइड में ऐसा था, डेट मैं कहा कि अगर एक एटम है तो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये प्रोटॉन होगा. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं. एक फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप देखो तो क्या लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना. और यहाँ पे अगर आप देखोगे है दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे लिखते हो बताओ, कि ऐसे लिखते हो क्या, कैपिटल G, क्या लिखते हो, M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर. तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आप देखते हो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 × 10 की पावर 12. इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख देते हो, और जबकि इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू बहुत कम होती है, इस वजह से हम लोग कहते हैं जी टेंस टू जीरो है,
क्योंकि ये 9×10^12 है, इस वजह से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओनली कंसीडर करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी हम लोग सिंपली ये कह देते हैं कि इन दोनों के बीच में एक तरह का फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका नेचर कैसा भी हो सकता है, क्यू शुड बी पॉजिटिव होगा, हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, एंड क्यू टू शुड बी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अगर Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बन जाएगा। इसी तरह से अगर Q1, ये कोई ये नहीं है कि आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना ही चाहिए, अगर Q2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं Q1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और Q2 की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल में हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव होगा तो ऑलरेडी, अगर सिमिलर चार्ज होगा तो ऑलरेडी नोन है कि वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और अगर डिससिमिलर चार्ज है तो वो फोर्स ऑफ क्या होना है, अट्रैक्शन होना है। तो इसमें नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ और कूलम्स लॉ सिर्फ ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और कोई डाउट? नो सर, ओके, चलिए आज सेशन को एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपको सेम टाइम पे, मैसेज आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।